भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पंडित खिमीराम का वीरवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर सेंज में जोरदार स्वागत किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। भाजपा को अलविदा कहने के बाद वीरवार को खिमीराम शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश से भाजपा की विदाई जल्द होने वाली है और कांग्रेस पार्टी प्रदेश में 50 सीटों से अधिक सीटें जीतेगी और बहुमत से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की पीठ थपथपाते हुए केंद्र नेतृत्व की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में मजबूत है। खिमीराम शर्मा ने कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि हमारे पास राहुल गांधी जैसा एक ईमानदार छवि का नेता है और हम सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आज से डट जाएं। खिमीराम शर्मा ने कहा कि सर, आज पहली बार आप कांग्रेस की पहली बैठक ले रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? आज मैं बैठक नहीं ले रहा हूँ, बैठक कार्यकर्ता ये प्रमुख नेता है यहाँ, ये ले रहे हैं। मेरा था मान सम्मान किया, अपना जो प्यार दिया इन्होंने, मैं आज सेंज घाटी में आया और सेंज घाटी से मेरा भावनात्मक तो रिश्ता बहुत पहले से, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं जाऊँगा तो सेंज ही जाऊँगा। शुरुआत मैंने यहाँ से कर ली और बाकी तो सब कुछ इंतजाम इन्होंने किया, हर चीज़ इन्होंने की और मैं तो सिर्फ यहाँ उनके दर्शन करने आया और इन्हें आदेश मान को प्यार दिया, इसके लिए उनका मैं बहुत बहुत आभार। देश में आप भाजपा में पहले टॉप लीडरशिप में रहे हैं, पहली बैठक यहाँ पर हो रही है, आपको क्या फ़र्क लगता है भाजपा और कांग्रेस में? बहुत ज़्यादा फर्क है। यहाँ जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का कर्मठ है, ईमानदार है और ऐसा कार्यकर्ता तो मिलना बहुत मुश्किल है। पर मुझे तो सच में दिल से मतलब इतनी खुशी हुई आज कि एक एक कार्यकर्ता जो है वो ज़बरदस्त है, ऐसे कार्यकर्ता मिलने किसी पार्टी में है ही नहीं। कांग्रेस